करंट डिफरेंस से एक्स रे पर एक्स फोर्ड पर एक्स फिर देखिए फंक्शन रेट पर फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे लॉग लेंगे, लॉग लेकर के इसको जो है अब क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले चलेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई को क्या ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट वन तो y को जो एक्स रेट फॉर एक्स रेट फॉर एक्स है ना तो जैसे ए रेट फॉर टू रेट फॉर अगर थ्री जैसे क्या लिखेगा ए रेट फॉर टू इंटू थ्री लिखेगा है ना तो इसके कारण y को क्या हो जाएगा एक्स रेट फॉर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा है ना ठीक है तो कितना हो जाएगा y रेट फॉर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका लॉग ले लीजिए तो लॉग ऑफ टू वाई इसको क्या हो जाएगा लॉग एक्स रेट फॉर एक्स स्क्वायर तो लॉग वाई इसको कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका वहां हो जाएगा तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा ना ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट कर लीजिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू d by dx x स्क्वायर log x है ना ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो गया तो d by dy log of y dy by dx dy by dx इसको क्या हो जाएगा रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ठीक है फिर प्लस रेस्ट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ तो कितना हो जाएगा ठीक है आप वन बाई वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ठीक है एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा ठीक तो एक्स से एक पावर लेस हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हो जाएगा वाई एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स है ना फिर डिवाइड बाय डीएक्स कितना हो जाएगा डिवाइड बाय डीएक्स एक्स रेट पावर एक्स रेट पावर एक्स फिर एक्स ऑफ इनसाइड लेकर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स देखिए क्या दे रहे हैं आंसर देखिए देखिए आंसर दे दो गर्मी तो नहीं लग रही देखिए आंसर आ रहा है फोर का फर्स्ट पार्ट ना देखिए आंसर आ रहा है चलो दूसरा देखिए सेकंड पार्ट
सेकेंड पार्ट क्या होगा? y इक्वल टू x रेट को है ना, अब से लॉग लीजिए तो log of y इसको हो जाएगा log x रेट को है, तो एक पावर आपका बाहर आएगा तो x log x रेट को या x रेट को x बाहर आ जाएगा, ठीक है x रेट को x बाहर आ जाएगा, इससे पावर नहीं है एक ही बात है, तो पूरी चीज आपके बाहर नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना जाएगा इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, फिर आपको लॉग ऑन करना है, इसको ये मान के इसको ये मान के ये इक्वल टू x रेट को है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग u x रेट को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यू बैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं,
इन्हें एक सेट फॉर इस काम में लेता हूँ मैं एक सेट फॉर इस पहले टर्म में दूसरे टर्म में Gracias.